दोस्तों अगर आप भी सूर्यकुमार यादव को एक विस्फोटक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ठीक युवराज सिंह और धोनी की तरह सूर्यकुमार यादव ने 4 गेंदों में 4 छक्के ठोककर इतिहास रच दिया और इतना ही नहीं बल्कि 32 गेंदों में 77 रन भी बना दिए। लेकिन उसके बाद सूर्यकुमार यादव ने अपनी इस बेहद ही धमाकेदार पारी उन विशालकाय छक्कों को याद करते हुए कोहली, रोहित और धोनी पर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको उनके बयान का पूरा वीडियो जरूर सुनना चाहिए और दोस्तों साथ ही 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। आखिरकार सूर्यकुमार यादव इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर क्या बोले, उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर में से बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाज कौन है? नीचे हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया और भारतीय टीम के सभी युवा बल्लेबाजों ने धमाकेदार पारी खेली। चाहे वो शुभमन गिल का शतक हो, श्रेयस अय्यर की सेंचुरी हो या फिर केएल राहुल का अर्धशतक भी हमने देखा। लेकिन सबसे स्पेशल सुपर ऑफ द डे बने सूर्यकुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जब एक खिलाड़ी वनडे फॉर्मेट के अंदर 4 गेंदों में 24 रन जड़ दे, 4 बैक टू बैक छक्के लगाकर, तो आप उसे सुपर ऑफ द डे नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे। दोस्तों भारत का स्कोर 399 तक जरूर पहुंचा, लेकिन इसमें सूर्यकुमार यादव के 72 रन भी जोड़ दीजिए और ये 72 रन मात्र 33 गेंदों के अंदर आए। पहली 9 गेंदों के अंदर सूर्यकुमार यादव के केवल 4 रन थे, उसके बाद अगली 18 गेंदों के अंदर ऑलमोस्ट 70 रन के आसपास रन ठोक दिए। दोस्तों सूर्यकुमार यादव ने अपनी 72 रनों की धांसू पारी में 6 चौके तो वही 6 विशालकाय छक्के भी लगाए। दोस्तों सूर्यकुमार यादव की पारी को देखकर टीम इंडिया और 100 करोड़ हिंदुस्तानी यही अंदाजा लगा रहे थे कि सूर्यकुमार यादव भी रिकॉर्ड तोड़ और फास्टर सेंचुरी ठोक देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों सूर्यकुमार यादव की पारी और बल्लेबाजी को देखकर कंगारू टीम दांतों तले उंगलियां दबाने लगे तो वहीं सभी ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों की हवा खराब हो गई, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी गेंदे अंतिम ओवरों में बाउंड्री पर पवेलियन में जाकर गिर रही थी। अब दोस्तों सूर्यकुमार यादव की घातक बल्लेबाजी के कारण भारत का स्कोर 399 जैसे पहाड़ लक्ष्य तक पहुंच गया। अब दोस्तों 400 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य चेज करना कोई आसान काम तो है नहीं, और इसलिए दोस्तों सूर्यकुमार यादव को हम सुपर ऑफ द डे कहकर बुला रहे हैं। और उनकी पारी वाकई में लाजवाब थी और वो 4 गेंदों में 4 छक्के दर्शा गए कि सूर्यकुमार यादव कितने काबिल खिलाड़ी हैं। लेकिन इतनी शानदार बल्लेबाजी पर उन्होंने खुद ही चौंका देने वाला खुलासा कर दिया, तो आखिरकार महान और दिग्गज खिलाड़ियों से मिली सीख और प्रेरणा पर क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव। तो चलिए दोस्तों सूर्यकुमार यादव के बयान का पूरा वीडियो हम आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों सूर्यकुमार यादव ने इतनी तूफानी पारी पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए हम जब भी अपने देश की जर्सी पहनकर मैदान में उतरते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम कितने रन बना पाएंगे, आपको बस मैदान में जाकर बेहतर से बेहतर काम करना होता है जिसमें हर एक बॉल का पूरा पूरा महत्व होता है और आने वाली गेंद पर छक्का लगेगा या चौका लगेगा इसका फैसला हम नहीं कर सकते। उस वक्त पर उस मोमेंटम पर आप किस तरीके से उस गेंद को बेस्ट तरीके से खेल सकते हैं वो आपकी पारी पर निर्भर रहता है। अब 72 रन की पारी होगी ना तो मुझे इस बात का अंदाजा था और ना ही इस बात का अंदाजा था कि 4 गेंदों में 4 छक्के मेरे बल्ले से लगेंगे, बस गेंद मेरे पाले में आती रही और मैं लगातार अपने मोमेंटम को बेटर करता चला गया। वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि मुझसे भी बेहतर बल्लेबाजी तो शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने की, उन्होंने वनडे फॉर्मेट के बल्लेबाजी के तरीके को सही ढंग से अपनाया और ऐसे मायने में क्योंकि ये लोग अच्छी बल्लेबाजी कर चुके थे और मुझ पर कोई दबाव नहीं था और हमारी टीम पूरी तरीके से संतुलन में थी, इसलिए मैं T20 अंदाज में बल्लेबाजी करता चला गया। और दोस्तों आपको बता देगी जब सूर्या से पूछा गया कि ये सब लगातार छक्के लगाना किससे सीखा तो उन्होंने हंसकर जवाब देते हुए कहा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी और युवराज सिंह जैसे महान खिलाड़ी मेरे आदर्श हैं और मैं उन्हें देखकर ही बड़ा हुआ हूं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि इन सब महान खिलाड़ियों को जब भी मौका मिलता है अपना बेस्ट देते हैं तो हम भला क्यों पीछे रहें। इसलिए मैं हमेशा मैदान के अंदर अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने के बारे में सोचता हूं। तो खैर दोस्तों आपको सूर्यकुमार यादव का पूरा बयान सुनकर कैसा लगा, नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों हमारी भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर इतिहास भी रच दिया और ये भी बयां कर दिया कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 हमारा है। तो खैर दोस्तों आपको क्या लगता है वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम को कौन सी टीम पूरी तरह टक्कर दे पाएगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर दिल से लाइक जरूर कीजिएगा।